वर्ष 2022 में 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की उपासना आराधना की जाती है। उन्हें प्रतिदिन अलग अलग तरह के पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिन में कौन से पुष्प माता रानी को अर्पित करें और कौन सा भोग लगाएं। पहले दिन देवी शैलपुत्री के प्रिय पुष्प हैं गुड़हल, नैवेद्य शुद्ध घी। दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी प्रिय पुष्प सेवंती या फिर गुलदाउदी और नैवेद्य है शकर मिश्री। तीसरे दिन की देवी चंद्रघंटा प्रिय पुष्प कमल, नैवेद्य दूध, दूध की मिठाई। चौथे दिन की देवी कुष्मांडा प्रिय पुष्प चमेली, नैवेद्य मालपुआ। पांचवें दिन की देवी स्कंद माता प्रिय पुष्प पीले फूल, नैवेद्य केला। छठे दिन की देवी कात्यायनी प्रिय पुष्प गेंदा, नैवेद्य शहद। सातवें दिन की देवी कालरात्रि प्रिय पुष्प कृष्ण कमल, भोग गुड़। आठवें दिन की देवी महागौरी प्रिय पुष्प चमेली और बेला, नैवेद्य नारियल। नौवें दिन की देवी सिद्धिदात्री प्रिय पुष्प चंपा और भोग तिल। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जय माता दी ज़रूर लिखें।